हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन है, इग्नू असाइनमेंट में अच्छे नंबर कैसे लाएं। तो इसका हम बहुत अच्छे से आंसर देंगे और अच्छे से आंसर देंगे। आपको अच्छे से वीडियो देखना है, बिना वीडियो को स्किप किए पूरा देखिए। हम इस वीडियो में टोटल 6 पॉइंट्स आपको बताएंगे, ऐसे पॉइंट्स जिसको आप सुनते ही बोलेंगे कि ये गलती हम कर रहे थे, कॉमन मिस्टेक्स जो असाइनमेंट्स में लोग करते हैं। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो पॉइंट नंबर वन, लेटेस्ट असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर। ये लेटेस्ट असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर से यहाँ पर मतलब है आपको जो जिस ईयर का आप असाइनमेंट लिख रहे हैं उसी ईयर का असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर आपको डाउनलोड करना है और वही आपको सोल्व करके असाइनमेंट बनाना है। जैसे अगर आप लास्ट ईयर, मान लीजिए आप लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर असाइनमेंट में फेल हो जाते हैं तो इस ईयर बना रहे हैं तो इस ईयर का ही आपको असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो वही आपको बना के सबमिट करना है। पॉइंट नंबर टू, A4 साइज पेपर होना चाहिए। दोस्तों, अगर इग्नू का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें ये मेंशन है A4 साइज पेपर होना चाहिए। वो आप वाइट पेपर भी ले सकते हैं या फिर लाइन वाला पेपर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन A4 साइज होना चाहिए। पॉइंट नंबर थ्री, असाइनमेंट हस्तलिखित होना चाहिए। असाइनमेंट आप टाइपिस्ट से टाइप करा के या फिर PC से प्रिंट लेके आप नहीं जमा कर सकते हैं, हस्तलिखित होना चाहिए ब्लू पेन से और ब्लैक पेन से। आपका लिखाई चाहिए थोड़ा ख़राब हो, अगर आपका राइटिंग थोड़ा एवरेज भी है तो चलेगा। पॉइंट नंबर फोर, क्वेश्चंस का आंसर सही और स्टिक होना चाहिए। सही और स्टिक आंसर से मतलब ये है, अगर आप कहीं से ऑनलाइन सॉल्यूशन वगैरह लेके अगर आप कोई क्वेश्चन गलत लिख देते हैं और एग्जामिनर उसको चेक कर लेता है तो वहाँ पर आपका नंबर कटने का चांस है, इसलिए आंसर सही और स्टिक होना चाहिए। अगर आप इसमें गलती करते हैं तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है क्योंकि बुक में सब दिया हुआ है। पॉइंट नंबर फाइव, शब्द सीमा का पालन करना चाहिए। शब्द सीमा से यह मतलब है अगर आपसे 250 वर्ड्स में आंसर मांगा है तो आपको 250 वर्ड्स में ही लिखना है, ना ज़्यादा ज़्यादा लिखना है और ना ज़्यादा कम। 250 का आप 300 कर सकते हैं लेकिन कम नहीं करना है और 500 भी नहीं करना है, इसलिए शब्द सीमा का पालन करना चाहिए। पॉइंट नंबर सिक्स, असाइनमेंट साफ और सुंदर होना चाहिए। अगर आपका असाइनमेंट साफ और सुंदर दिखेगा तो वो एग्जामिनर को अट्रैक्ट करता है। साफ और सुंदर से यहाँ मतलब है आपके अगर गलती से मिस्टेक हो जाती है और आप कटिंग करते हैं तो उसको ज़्यादा ना फैलाएं। अगर एक पेज में तीन से या चार चार कटिंग हो गई हैं तो आप उस पेज को रिप्लेस कर दीजिए, दूसरा नया पेज आप लगा लीजिए। चाहे वो पेज आपने पूरा भर दिया हो लेकिन फिर भी आप उस पेज को चेंज कर दीजिए क्योंकि वो आपका असाइनमेंट ख़राब करवा सकता है। दोस्तों, ये टोटल 6 पॉइंट हैं जो जो हम आपको बता रहे हैं, ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं, तो आपको ये सब नहीं करनी है। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।